सो हे गाइस वेलकम टू माय अनदर एडिटिंग वीडियो। सो गाइस अभी स्टार्टिंग में आप लोगों ने एक वीडियो देखा गाइस, अभी भी जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। आज के वीडियो में मैं इसी टाइप का वीडियो का एडिटिंग के बारे में सिखाने वाला हूँ। और इस वीडियो में ये खास बात है कि इस वीडियो में गाइस आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और इस टाइप का वीडियो आप वन क्लिक के अंदर मतलब आसानी तरीके से बना सकते हैं। आपको अगर एडिटिंग भी नहीं आती थोड़ी बहुत भी, तो फिर भी आप इस टाइप का वीडियो को बहुत ही ज्यादा इजिली तरीके से बना सकते हैं। ये वीडियो काफी ज्यादा ट्रेंड पे है गाइस और ये टोटली नियॉन ग्लोइंग के ऊपर है गाइस, लीक्स विद फोटो ग्लोइंग, तो बहुत ही ज्यादा वायरल होती है गाइस इस टाइप का वीडियो। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस टाइप का एडिटिंग पसंद आएगी गाइस। और इस टाइप का एडिटिंग सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को जब से लाइक और हमारे चैनल में पहली बार जुड़े थे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए आज का वीडियो कर लेता हूँ स्टार्ट। पहले आपको क्या करना है कि एक एप्लीकेशन को ओपन करना है जिसका नाम है एमबी मेकर, ठीक है। इसमें वाटर मार्क आता है गाइस, तो वाटर मार्क को कैसे रिमूव करना है ये वीडियो के लास्ट तक मैं बताऊंगा, तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना गाइस। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ पॉलिसी को आएगा तो एग्री कर देना है। और ये एप्लीकेशन आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें खास बात यह है कि इसमें आपको जितने भी ट्रेंडिंग वीडियो का जो एडिटिंग है वो मिल जाती है गाइस। और इसमें दूसरा बात यह है कि आपको एडिटिंग का ई भी नहीं मालूम, फिर भी आप वन क्लिक के अंदर इसमें एडिटिंग को कर सकते हैं गाइस। बहुत ही ज़्यादा वो वायरल इसमें आपको एडिटिंग के बारे में जो एडिटिंग का जो थीम है गाइस, ग्राफिक्स है, वो आपको मिल जाती है इसमें गाइस। और बहुत ही ज़्यादा इजीली तरीके से आप इसमें वीडियो को बना सकते हैं गाइस। जैसे कुछ ऐड का इसमें इशू होता है गाइस, मतलब ऐड कुछ ज़्यादा आता है तो इसको इग्नोर करना है गाइस। जैसे यहाँ पर इस टाइप से ये वाली वीडियो को मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था गाइस, देख सकते हैं गाइस। सो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज़ सेलेक्ट योर 3 फोटो, ठीक है। तो यहाँ पर फोटो सेलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको क्या करना है प्लस वाला आइकन को क्लिक करना है। देन आपको लाइब्रेरी में जाना है, मतलब अपना गैलरी का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेनी है गाइस। और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं गाइस थोड़ा स्लो हो जा रहा है मेरा फ़ोन, उसके लिए सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, फ़ोन का इशू है गाइस। आप लोग थोड़ा हेल्प करोगे तो मैं जरूर से नया फ़ोन ले लूँगा और आप लोग को और बेटर वीडियो दे पाऊँगा। सो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर मैंने कुछ फोटोज पुराने फोटोज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये एक फ़ोटो और एक ये फ़ोटो और एक ये फ़ोटो, ठीक है। मैंने 3 फोटो को सिलेक्ट कर लिया गाइस। और 3 को सिलेक्ट करने के बाद इसे ओके कर देना, तो इसमें फिर से नहीं सिलेक्ट हुआ, मैं फिर से एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो इसमें थोड़ा सा मेरा फ़ोन का इशू है गाइस, इसमें आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग एक बार में सिलेक्ट कर पाओगे। तो इसमें ओके कर देना, देख सकते गाइस यहाँ पर फोटो सेलेक्ट हो चुका है तीनों। और इसमें ऑलरेडी सॉन्ग है, अगर आपको सॉन्ग को चेंज करना तो यहाँ पर रिप्लेस म्यूजिक का जो ऑप्शन है इसमें आपको क्लिक करके चेंज कर सकते हैं गाइस। सो इसमें आप देख सकते गाइस थोड़ा वेटिंग करने के लिए बोल रही है गाइस, सो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ वीडियो को थोड़ा स्किप कर लेता हूँ, मतलब जितना ये प्रोसेस होने तक, नहीं तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगी और आप लोग भी वीडियो में थोड़ा बोर हो जाओगे। सो गाइस देन यहाँ पर जब ये हो जाए तो आपको मैक वाले जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करनी है, ठीक है। यहाँ पर और एक ऑप्शन है प्रो वाली ऑप्शन में मैक विथ नो वाटर मार्क। अगर आपको पैसा देके वाटर मार्क को रिमूव करना है तो यहाँ से कर सकते हो, और अगर आपको नहीं पैसा देके रिमूव करना है वाटर मार्क तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना। तो यहाँ पर मैक वाली जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर थोड़ा नेट का इशू है गाइस, सो यहाँ पर क्लिक करते ही गाइस यहाँ पर प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर जो लोडिंग हो रहा है वो स्टार्ट हो चुका है गाइस। और यहाँ पर लोडिंग होते ही, मतलब प्रोसेसिंग होते ही, 100% होते ही आपका जो वीडियो है गाइस क्रिएट हो जाएगी गाइस। और यहाँ पर 100% होने का थोड़ा वेट करना है गाइस। जो बीच बीच में कभी कभार ऐड भी आते हैं गाइस, तो ऐड को यहाँ पर थोड़ा सा रन करने के बाद कट कर देना ताकि वीडियो प्रोसेस कम्प्लीटली हो जाए, ठीक है। 100% होने देने का वेट करता हूँ गाइस। जैसे 68% हो चुका है, देख सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर गाइस जैसे 100% होते हैं आपका वीडियो डायरेक्टली गैलरी में शेव हो जाएगा, ठीक है। मैं देन आपको यहाँ पर से दिखाऊंगा कि वाटर मार्क को कैसे आप रिमूव कर सकते हैं। सो यहाँ पर 100% होने देना है गाइस, तो यहाँ पर 100% हो रहा है, देख सकते हैं ये जो हमारा 100% हो गया, देख सकते हैं गाइस। और यहाँ पर 100% होने के बाद ये कुछ इस टाइप का प्रोसेस आएगा, तो यहाँ सेव टू एल्बम फुल्ली एल्बम, ठीक है। यहाँ आप लाइव वॉलपेपर बनाने तो लाइव वॉलपेपर भी बना सकते हो, तो हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसका वाटर मार्क रिमूव करना। तो इसके लिए गाइस इसको यहाँ से स्टॉप, वीडियो आपको सेव हो जाए गैलरी में सक्सेसफुली, तो देन आपको प्लस मतलब काइन मास्टर पे आना, प्लस वाला आइकन को क्लिक करना, 9:16 वाला रेशियो को लेना। देन आपको मीडिया वाले ऑप्शन में जाकर जो वीडियो आपका अभी सेव हुआ है उस वीडियो को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना। सो गाइस ये रहा हमारा वीडियो को मैं एक बार प्ले करके दिखा दूँ, तो गाइस कुछ इस टाइप का वीडियो, और ऊपर में आपको वाटर मार्क भी शो होता हुआ नजर आ रहा होगा, तो कुछ इस टाइप का वाटर मार्क दिख रहा है, तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, लग रहा है कि हाँ भाई उतना प्रोफेशनल टाइप से नहीं लग रहा। तो वाटर मार्क रिमूव करने के लिए सबसे एकदम इजी तरीका मैं बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर, तो ध्यान से देखना। तो मेरा वीडियो है यहाँ तक, ठीक है, यहीं तक है वीडियो, तो इतना दूर तक रखता हूँ और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना। देन आपको लेयर वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, और इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद गाइस यहाँ पर बेसिक इफेक्ट पर जाना है, और यहाँ जो ब्लर वाले ऑप्शन है ग्रेजुएशन ब्लर, इसको लेना है और वीडियो को लास्ट तक ले आना है, ठीक है।
लाने के बाद गाइस इसको आपको क्या करना है, जो वाटर मार्क दिख रहा है उसके ऊपर आपको सेट कर देना है इस टाइप से, एकदम छोटा टाइप से सेट करना, ऐसे करके सेट करने के बाद सेटिंग्स में जाना और इसको ब्लर का स्ट्रेंथ को जो है वो बढ़ा देना। बढ़ाने के बाद गाइस आपको थोड़ा सा जाना शेप में, ऑटो शेप में, और इसको फेदरिंग को ऑन कर देना। फेदरिंग को ऑन करने के बाद गाइस इसी को थ्री डॉट में जाके डुप्लीकेट करना और जैसे कि आपका जहाँ जहाँ वाटर मार्क दिख रहा है वहाँ वहाँ लगा देना। जैसे यहाँ पर इस वीडियो में आपको दो जगह वाटर मार्क दिख रहा होगा, सो मैंने दो जगह इस पर लगा दिया। लगाने के बाद अगर थोड़ा सा यहाँ पर कम वैसे लग रहा है, मतलब कि लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा ब्लर हो जा रहा है, मतलब एक अलग से अगर आपको लग रहा है वीडियो के अंदर, तो उसको आप यहाँ से हटा सकते हैं या तो फिर ऐसे रहने देना है। देन आपको यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर जाना है और इस वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना, तो आपका वीडियो हो जाएगा कम्प्लीटली। सो बस यही था गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइज और ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंडों के साथ। हमारे चैनल में पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए मिलते हैं वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।